हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी दो प्याज़ा। अभी समर सीज़न है और समर सीज़न में जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा मिलती है उनमें से एक है भिंडी। तो भिंडी हम तरह तरह के तरीके से बना के खाते हैं, तो ये भिंडी दो प्याज़ा जो है ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप रोटी पराठा कुछ किसी के साथ भी ये खा सकते हो। तो चलिए ये मैं कैसे बनाती हूँ देख लेते हैं। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। थैंक यू। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम भिंडी, जिसको ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। ये मीडियम साइज का टुकड़ा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इसके लिए हमें लेना है रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल से आप ये बना सकते हो। तो मैं 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल इसमें डाल रही हूँ। अभी ऑयल को पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें ये सारे भिंडी डाल देती हूँ। भिंडी को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके साथ मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक। अब पहले भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। भिंडी हमारा 50% तक फ्राई हो चुका है, अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज, जिसको मैंने ऐसे डाइस में काटा है। इसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसको हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत कलर चेंज नहीं करना है इसका। हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये प्याज फ्राई हो चुका है, इसको भी उठा लेते हैं इसमें। अभी फिर से तेल डाल देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा तेल डाला है मैंने। तेल को गर्म होने देंगे पहले अच्छे से। अभी इसमें डालेंगे जीरा, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। इसके साथ डालेंगे ये 2 साबुत लाल मिर्च। सबको मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें डालेंगे ये प्याज, एक बड़े साइज का प्याज है जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। इसको डाल देते हैं। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें डालती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इसको थोड़ा भूनना है हमें, जब तक कि इसका कच्चा स्मेल चला ना जाए तब तक इसको भून लेना है। इसके साथ ऐड करेंगे एक टमाटर, जिसको मैंने इसे प्यूरी बना लिया है। इसको भी ऐड कर देते हैं। अभी ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर हमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है इसमें। ये है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून। सबको अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। अभी इसमें ऐड करेंगे दही, ये 1 टेबलस्पून दही है। इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने, इसको ऐड कर देते हैं। दही हमारा रूम टेम्परेचर का था, अब अगर फ्रिज से निकाल के दही इसमें डालोगे तो गैस बंद करके दही डालना, नहीं तो दही फट जाएगा। अभी ये भिंडी को ऐड कर देते हैं इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले के साथ भिंडी को अच्छे से होने देंगे। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है। इसको हाथों से ऐसे घिस के डालना है। इसके साथ ऐड करेंगे नमक। मैंने भिंडी फ्राई करते टाइम थोड़ा सा नमक डाला था,
सॉरी, मैं बाकी नमक भी डाल देती हूँ। फिर से मिक्स करके इसे इसको होने देंगे। अभी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये जो प्याज है, डाइस प्याज, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई करके रखा था, इसको ऐड करना है। इसके साथ मैं ऐड करूँगी ये आमचूर पाउडर है, हाफ टी स्पून। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो 1 टीस्पून भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। इसके साथ डाल लेंगे 1/4 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर। सबको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, अभी हल्का सा। तो हमें इसको 3-4 मिनट तक पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। हमारा भिंडी ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसको 3-4 मिनट के लिए होने देंगे। हमारा भिंडी 2 प्याज़ा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसको सर्व कर देते हैं। ये आप घर पे जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी होता है भिंडी की ये सब्जी। आप रोटी के साथ या दाल चावल के साथ, किसके साथ भी ये ट्राई कर सकते हो।